बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल पर। आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जैज़ कैश एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, जैज़ कैश से इजी लोड करना चाह रहे हैं, जैज़ कैश से लोन लेना चाह रहे हैं, जैज़ कैश से आप किसी भी नंबर पर पैसे भेजना चाह रहे हैं, जैज़ टेलनार या किसी अदर बैंक में पैसे भेजना चाह रहे हैं, जैज कैश अकाउंट की लिमिट बढ़ाना चाह रहे हैं, या जैज कैश अकाउंट से किसी भी बिल पे करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, गैस का, किसी का बिल पे करना चाह रहे हैं, आप बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद जैज कैश एप्लीकेशन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैज कैश से किसी भी नंबर पर पैकेज कैसे शेयर करते हैं, उसके अलावा काफी ज्यादा इसमें जितने फ्यूचर है मैं कोशिश करूंगा तमाम को आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूं, ताकि आपने वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट तौर पर वॉच करना है। अगर आप इस तरह मोबाइल रख देंगे ना, इस तरह आप जैसे मैं अभी बैठा हूँ इस तरह अगर आप बैठ जाएंगे, आपको इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी जैज कैश के मुतालिक। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद हम अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आते हैं, जैज कैश एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहां पर मुकम्मल सीखते हैं जैज कैश एप्लीकेशन को। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अकबर को और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद कर यहाँ पर सबसे पहले तो जैज कैश एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। जैज कैश से इजी लोड कैसे करना है और किसी भी जैज कैश से जैज कैश या किसी बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इजी पैसा अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इजी लोड कैसे करना है, बिल पेमेंट कैसे करनी है, आपने इसमें का पासवर्ड अगर भूल जाते हैं पासवर्ड को आप रीसेट फॉरगेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैज कैश एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले तो आपने जैज कैश एप्लीकेशन में अपना मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले नंबर पर आता है कि फ़ंड ट्रांसफ़र। फ़ंड ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि बैंक अकाउंट में करना चाह रहे हैं या जैज कैश या CNSE या अदर वॉलेट। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट में करना चाह रहे हैं तो बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लें। बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी यहाँ पर आपकी तमाम बैंकें आपको शो हो जाएंगी, जिस बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, मान लेते हैं हम UPL में करना चाह रहे हैं, तो UPL का आपने सबसे पहले तो ब्रांच कोड देना है, उसके बाद अकाउंट नंबर आप दे दें। यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर दे देता। अकाउंट नंबर देने के बाद ऐड पर क्लिक करना है, अमाउंट लिखे कितनी, 5 रुपये तक भी आप सेंड कर सकते हैं, 1 रुपया भी सेंड कर सकते हैं, सेंड पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है किस वजह से सेंड कर रहे हैं, अदर है, अदर क्लिक कर लें। मोबाइल नंबर रेफर नंबर को दे दें, जिसको आप एक SMS जाना चाहिए, अपना खुद का भी दे सकते हैं। कंटिन्यूस पर क्लिक करेंगे तो ऑनर का नेम आ जाएगा, आप कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर अपना वो 6 डिजिटल का अपना जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पर टैप करना होता है। जी आपका पासवर्ड जो है वो टैप हो गया, जी देखिए फौरी तौर पर आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो डिपॉजिट हो चुके हैं। इसी तरह आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अगर आप जैज कैश में करना चाह रहे हैं तो जैज कैश, सिंपल जैज कैश पर क्लिक करना है। जहाँ पर जैज कैश जिस शॉपिंग को आप सेंड करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पर आपने नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इंटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नीचे नंबर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, अमाउंट कितनी देना चाह रहे हैं अमाउंट दे दें। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ओनर का नेम आ चुका है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं अपना कन्फर्म पर क्लिक करूँगा तो फौरी तौर पर यहाँ से हमारे जो पैसे हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है रॉन्ग पासवर्ड, यहाँ पर मैं पासवर्ड को दुरुस्त लगाता हूँ। ये देखें फौरी तौर पर हमारा अकाउंट से जो पैसे हैं वो जैज कैश में डिपॉजिट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने अगर इसी पैसा में करने हैं तो बैंक ट्रांसफ़र पर ही दोबारा क्लिक करना है। बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, टेलनार फ्लेक्स बैंक है तो यहाँ पर अपने टेलनार का जो मोबाइल नंबर है वो देना है, इजी पैसा अकाउंट नंबर दें। उसके बाद अमाउंट दें, कितनी अमाउंट वजह से सेंड कर रहे हैं उसका दे दें, अदर पर क्लिक कर दें, मोबाइल रेफर नंबर दे दें जिस पर आप पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना रेफर नंबर दे देता हूँ। उसके बाद क्लिक करेंगे तो ऑनर का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो पैसे हैं वो फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बैक आ जाना है, जैज कैश इजी पैसा में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना बता दिया। CNSE में कैसे करने हैं, CNSE पर क्लिक करें, और जिस CNSE पर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसका आप यहाँ पर CNSE नंबर लिख दें, और उसके बाद आपने CNSE नंबर देने के बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यूस पर क्लिक करना है। कितनी अमाउंट आप सेंड करना चाह रहे हैं, 1000 रुपया आपने कंटिन्यूस पर करना है। जिस दोस्त को आप सेंड करना चाह रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर टैप कर दें, और उसके बाद मैं नंबर जो है वो टैप करके कंटिन्यूस पर क्लिक कर देता हूँ। कहा जा रहा है कि सेम CNSE नंबर नहीं होना चाहिए, सेम CNSE और सेम आपका मोबाइल नंबर भी नहीं होना चाहिए। मैंने अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया, अब मैं दोबारा से अपना मोबाइल नंबर जो है वो टैप कर देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं जो है वो टैप चेंज कर देता हूँ। 40
उसके बाद यहाँ पर दोबारा कंटिन्यूस पर, यहाँ पर देखें 1000 रुपये पर आपने को 55 रुपये फ़ीस आएगी। कंफर्म पर आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे तो आपके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद आपको दूसरे नंबर पर समझाते हैं क्या सर, दूसरे नंबर पर देखते हैं स्टेप क्या है। दूसरे नंबर पर हम बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद आपने यूनाइटेड बिल, आप बिल पे करना चाह रहे हैं तो यूनाइटेड बिल पर आपने क्लिक करना होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है, गैस है, वाटर है, कोई भी आप फ़ोन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक का बिल पे करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी एक बिल पे किया हुआ है। यहाँ पर तमाम कंपनियाँ जो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करती है, आपके मीटर के यानी कि जो आपका बिल है उस पर एक लोगो बना होता है, उस लोगों पर आपने क्लिक करना होता है। लोगों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेफर नंबर देना है, 14 डिजिटल का। यहाँ पर आप 14 डिजिटल का रेफर नंबर दें जो आपके बिल के ऊपर लिखा होता है। 14 डिजिटल मुकम्मल हुए, उसके बाद आपने फ्यूचर बिल पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखिए फौरी तौर पर आपका बिल भी शो हो जाएगा उसी टाइम जितना आपका बिल हुआ। उस टाइम आप पासवर्ड लगाएंगे तो आपका जो बिल है वो पे हो जाएगा, अगर बिल अभी आया हुआ तो। उसके बाद आपको मोबाइल लोड का ऑप्शन मौजूद है, अगर गैस का बिल पे करना चाहें तो गैस का भी सेम तरीकाकार ये होता है। गैस पर क्लिक करेंगे तो ब्लैक पर, और यहाँ पर उसके बिल के आईडी नंबर होता है 1100 का। जैसे ही आप गलत भी लगाएंगे तो अगर गलत हुआ तो शो नहीं होगा, अगर सही हुआ तो आपका बिल फौरी तौर पर शो हो जाएगा कि आपका बिल इतना है। उसके बाद आपने इस तरीके से, उसके बाद आपने मोबाइल लोड कैसे करना है, मोबाइल लोड पर आना है। यहाँ पर आपकी जो सिमें होती हैं वो इजी लोड वाली होती हैं, प्रीपेड जो पोस्टल बिल वाली होती है, प्रीपेड पर आपने क्लिक करना है। प्रीपेड पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, मैं मान लेते हैं प्रीपेड जैस यूफोन टेलनार जॉम आपकी साफिन है तो आप यहाँ से देखें वो तमाम आपको डेटे मिल रहे हैं, टेलनार है, यूफोन है। आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर जो है वो इंटर कर दें। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप जिसको लोड करना चाह रहे हैं, मैं जैस का करना चाहूँ तो जैस का नंबर मैं यहाँ पर इंटर कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट ही ऑप्शन पर यहाँ पर जो शोर है इस पर आपने क्लिक करना होता है। उसके बाद आप 100 से कम नहीं कर सकते, 100 लिखें। उसके बाद आपका यहाँ पर देखें 100 रुपये पर आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में है। यहाँ पर आप अगर अपना पासवर्ड लगाते हैं तो आपको फौरी तौर पर आपका इजी लोड जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद बैग आते हैं, बैग आने के बाद टेलनार का भी सेम तरीकाकार ये होता है कि यूफोन जोंग का भी सेम तरीकाकार ये होता है, सिर्फ नंबर लिखना होता है और सेम एसटी होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, पोस्टल का हमें ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पैकेज, आप जैस कैसे किसी भी नंबर पर पैकेज शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें पैकेज वाला ऑप्शन मौजूद है, आप डेबिट कार्ड भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर पैकेज का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आपने पैकेज पर क्लिक करना होता है। जिसकी किसी को अगर आप पैकेज शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देखें तमाम वो पैकेज अवेलेबल है जिसको आप शेयर करना चाहें। यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करें जो आपको पैकेज पसंद आता है वो आप पसंद करें। उसके बाद आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, किसी का नंबर जिसको आप चाह रहे हैं उसको पैकेज या अपने नंबर पर या किसी के नंबर पर सेंड करना चाह रहे हैं तो उसका यहाँ पर नंबर देखें, मैं नंबर लिखें 4, यहाँ पर देखें मैं नंबर लिख लेता हूँ 6484072। उसके बाद मैं कंटिन्यूस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखें ऑनर तमाम चीज़ें आगे 249 रुपये में जो पैकेज है मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कन्फर्म पर क्लिक। याद रखें जिसको आप पैकेज शेयर करेंगे उसका एडवांस पहले से नहीं लिया होना चाहिए। यहाँ पर अपना पासवर्ड लगाएंगे तो जो आपका पैकेज है वो अगले व्यूअर को शेयर हो जाए। इसी तरह तमाम का तरीका, अगर आप जोंग यूफोन का करना चाह रहे हैं या टेलनार का करना चाह रहे हैं या जोंग का करना चाह रहे हैं, सेम तरीकाकार ये तमाम का यही है। मोबाइल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना, मोबाइल एंटर करना है तो आपका पैकेज जो है वो शेयर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं मैं इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और स्टेटमेंट चेक करना चाह रहे हैं तो माई अकाउंट पर क्लिक करें। माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट लिमिट आ चुकी है, अकाउंट की लिमिट चेक कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन लिमिट है और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इसको आप क्लिक करके यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं अपने पैसे किस किस को कितने ट्रांसफ़र किए, कितने किए हैं ये तमाम आप देखें। अभी जो हमने 1-1 रुपया ट्रांसफ़र किया है वो 6 रुपये अभी हमने ट्रांसफ़र किए वो तमाम के तमाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए UPI में ट्रांसफ़र किए थे, जैस कैश में किए थे, इजी पैसे में किए थे, ये वो तमाम के तमाम आपकी हिस्ट्री यहाँ पर शो है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पर आपको यहाँ पर उसी का रेफर नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फौरी तौर पर उसका मुकम्मल बायोडाटा दिखाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर आपने सेंड किया, रिसीव किए, कितने कितने वो तमाम यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं।
इसी तरह आप यहाँ पर देखें स्टेटमेंट अगर आप चेक करना चाह रहे हैं पूरे महीने की या साल की, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर साल दो साल कन्फर्म पर करेंगे, ईमेल कन्फर्म करेंगे, आपको एक ईमेल सेंड हो जाएगी आपके नंबर पर जो ईमेल ऐड की हो। अगर आपको ईमेल ऐड नहीं की करने आती तो आपने व्यू पर क्लिक करना, यहाँ पर ईमेल एडिटिंग है तो आपने ईमेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।